सो वेलकम टू E24 गाइस। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि शो का आपके एक्शन थ्रिलर है हलाहल नाम क्यों पड़ा, अगर आप बता पाए तो। सचिन जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे। हलाहल का मतलब है जहर या विष जो शिवजी ने पिया था अमृत पाने के लिए। तो ये जो कहानी है ये डॉक्टर शिव की है, जो किस तरह से इस विष को निगल जाते हैं। तो इसलिए टाइटल हलाहल है और ये थ्रिलर है, प्रॉब्ली इमोशनल थ्रिलर। तो अच्छा, टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, सचिन जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जिन लोगों ने अभी तक अभी प्रोमो नहीं देखा है, अगर उन्हें बताना चाहे तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं तो। मैं डॉक्टर शिव का रोल कर रहा हूँ, जो एक नॉर्थ इंडिया में एक छोटे शहर में क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं। बीवी दो बेटियां हैं, चाहते हैं कि बड़ी बेटी डॉक्टर बने और उसके लिए नर्सिंग होम बनाए। वो कॉलेज पढ़ने गई है यूनिवर्सिटी टाउन, और वहाँ एक हादसा हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर साहब पता करना चाहते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हर, एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिल्म। एंड देन इट इज अ जर्नी ऑफ द कॉप यूसुफ, जो वरुण प्ले कर रहे हैं, और इन दोनों एक ऐसे जाल में फंसते चले जाते हैं कि हाउ ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी का खून हुआ या उसने खुदकुशी कर ली या जो भी है। लेकिन जब हम उस जाल में फंसते हैं, उसके बाद में क्या होता है, इस बात की ये फिल्म है हलाहल। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे, आपने हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कितनी मेहनत करने पड़ी इस कैरेक्टर के लिए, और एक्सेंट जो आपने लिया है उस पे आपने कितनी मेहनत की? यार मैं एक्चुअली नॉर्थ दिल्ली से हूँ, वैसे भी नॉर्थ दिल्ली दिल्ली से हूँ, मतलब नॉर्थ से हूँ। तो आई वोंट लाई एक्चुअली, बट बहुत ज़्यादा मेरे को डायलेक्ट पे मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरी भाषा ऐसे साफ है और मेरी इमेज काफ़ी अर्बन है, वैसे डीप डाउन इनसाइड आई कैन बी वेरी देसी पर्सन, एंड दैट इस कैरेक्टर में उसी को टैप इन करना था। तो एक्चुअली ज़्यादा ध्यान जो है ना हमारे, और हमारा बिजनेस काफी गिमिकी होता जा रहा धीरे धीरे, तो लोग बिल्कुल एक्सेंट और ड्रेसिंग अप पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट एक्टिंग इज द जॉब ऑफ द आईज, एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, इररिस्पेक्टिव हाउ मेनी गिमिक्स यू पुल, इट्स नेवर गोना मैटर। सो अंडरस्टैंडिंग द बिल्कुल कैरेक्टर एंड द साइकोलॉजी द कैरेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो करने में काफी मेहनत लगी, बिकॉज बहुत डिबेट हुआ हमारा बैक एंड फोर्थ टू ट्राई टू फिगर, बिकॉज लेट्स फेस इट, इट्स अ कैरेक्टर दैट कैन You can easily go wrong with this kind of a character. It was a very colorful character. He can be misinterpreted, So that's why we have to be very careful. सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, मोस्ट ऑफ द आपके आपके शोज ओटीटी पे आ रहे हैं, तो व्हाट मेकिंग यू चूज ओटीटी प्लेटफॉर्म? आप बहुत सारे हमने देखे आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हुए, तो क्या आपने देखा जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को चूज किए? मुझे लगता है इट्स नीड ऑफ द आवर। लोग थिएटर नहीं जा सकते, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये एक ही जरिया है अब उनके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का कंटेंट लोग देखना चाह रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ी चॉइस भी है, और ऐसा नहीं है कि जब अब टीवी पे जो दिखा रहे हैं उसे देखना पड़ेगा, या फिल्में जो आ रही हैं हर फ्राइडे अब वही देखनी पड़ेगी बाहर जाके, तो वो वाला हाल नहीं है। तो जिस तरह की चाहत आप रखते हो, उस तरह का सिनेमा आपके सामने है, वेब शोज हैं, इंडियन कंटेंट है, वर्ल्ड कंटेंट है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिव बनाने वाले लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें थोड़े से कमर्शियल ट्रैपिंग्स या कम है, है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक बजट है, जिस बजट पे काम करना ही पड़ता है, फिर लेकिन क्रिएटिवली एक फ्रीडम है अपनी बात कहने का। बिल्कुल
बिल्कुल मतलब अब सेंसरशिप नहीं है का फायदा भी बहुत लोग उठा रहे हैं, लेकिन आई वुड टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे दैट बिकॉज देयर इज अ शिप, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा और बढ़ जाती है कि आप इसका गलत फायदा ना उठाएं, और जो अपनी इफ यू आर अप्रोचिंग अ सब्जेक्ट यू कैन अप्रोच इट जेन्युइनली, यू डू नॉट हैव टू हैव आइटम सॉन्ग्स एंड कॉमेडी इन इट, एंड यू कैन एक्चुअली स्टे विथ इट. टीआरपी ड्रिवन क्रिएटिव नहीं है, विच इज अ ग्रेट फ्रीडम टू वर्क. राइट, ओटीटी इज एक्चुअली इट is ridden of both the evils of film industry also and television. Exactly. अरे एक सवाल जो हमने Eros Now पे पढ़ा और जो हमने देखा, what is halal to you? तो अगर हम आपसे जानना चाहें तो वरुण आप पहले बताएंगे what is halal to you? Current scenario, to be honest with you, हमारी film actually उसमें काफी relevant है. आज because I think पता नहीं मतलब कि it's because the lockdown, तो इस वजह से the two face of the society is coming out. In that sense, with keeping the film also in mind, mere liye, I think halal is a darker part of the society. Capitalism haath se bahar nikalta ja raha hai. The puri ladai sirf paise ki ho gayi hai. So I think, yeah, the society. How about you, Sachin ji? Mujhe lagta hai halal jo zeher hai, wo हम सभी को पीना पड़ेगा अगर हमें अमृत की चाह है तो. वैल्यूज बिल्कुल जो मतलब किसी को नोबडी केयर्स, तो दिस एटमॉस्फेयर हैज टू गो फॉर अ सिंपल रीजन दैट अगर हम खड़े नहीं हुए और हमने सवाल नहीं पूछे तो हमें जवाब भी नहीं मिलने वाले और हमें उस अमृत की प्राप्ति भी नहीं होने वाली. तो मेरे लिए हलाहल इज दिस टाइम. वरुण, बहुत सारे आपने किरदार निभाए हैं, पर इस हरियाणवी कैरेक्टर में थोड़े बहुत फनी चीजें भी देखने को मिली हैं, जैसे कि आपने एक कार में एक सीक्वेंस हमने देखा प्रोमो में जिसमें आप बंदूक दिखा रहे हो और लोग भाग जा रहे हैं, तो आपने ये फनी सीन, बिकॉज हमने आपको बहुत सारे किरदारों में देखा है, मेजरली हम बहुत ही गंभीर किरदार होता है आपका, लेकिन ये वाला किरदार थोड़ा सा फनी है, आपने कितना एंजॉय किया इसको? बहुत यार, मैं तो हर स्क्रिप्ट की एक एक्टर के लिए अलग अलग मतलब मतलब थॉट होती है एक्टर की. कभी कभी गोइंग इन यू वेरी नर्वस कि भाई ये कैसे होगा, ये तो तोप चलानी है, और ये समटाइम्स यू आर लाइक कि हाँ हो जाएगा, ये क्या है, छोटी सी बात है.